Hi everyone, so we are back with another video from our geography lesson drainage. So basically beta, this is the end part of our lesson. Okay, so अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था पहले उसको क्विक रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं आज वाली फाइनल वीडियो के लिए. सो बेसिकली बेटा विद द लेसन ड्रेनेज वी हैव सीन द लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न. एक रिवर जो होती है वो मूव करते वक्त कौन कौन से पैटर्न्स बनाती है, ड्रेनेज क्या होता है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. फिर रिवर सिस्टम के अंदर रिवर जब मूव कर रही है तो पैटर्न्स बना रही है. हमारे बेसिकली इंडिया में जो रिवर्स है वो कौन कौन सी है, हिमालयन हुई, पेनिनसुलर हुई, उनका कैसे उनका ओरिजिन हो रहा है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव स्टिल स्टडीड. हिमालयन रिवर्स में जब हम लोग बात करें तो हम लोगों ने गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र के बारे में समझा. फिर उसके बाद में जैसे हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स पे आए तो पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर भी हमने फिर लाइक बहुत सारी 6 रिवर्स पढ़ी थी ना, दैट इज़ नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी. ओके, सो बेसिकली दीज वर द लाइक मेजर रिवर्स जिनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके, तो बेटा जब मैं लाइक ड्रेनेज सिस्टम की बात करती हूँ तो वो हमें ये पता है कि भाई रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज नोन एज ड्रेनेज. पर हमारे इंडिया में रिवर्स के बिसाइड भी देर आर सम वाटर बॉडीज जिस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. ओके, बोलते हैं ऐसे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अगर हम कोई बात करें या फिर मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स में आप समझ जाओगे वैसे क्या क्या चीज़ें. पर आफ्टर टॉकिंग अबाउट रिवर्स हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लेक्स. ओके, इसके जिसके ऊपर हमारी इकोनॉमी या हमारा लाइक वाटर सिस्टम जो भी है पूरा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. ओके, सो बेसिकली अगर आपसे जैसे हमने रिवर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी तरह हम लोग लेक्स की डेफिनेशन भी पढ़ने वाले हैं. लेक्स क्या होता है, इट इज़ अ वाटर बॉडी, समझ में आ रहा है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर. ये तो पहले से आपको बताया, इट इज़ अ वाटर बॉडी कवर्ड बाय या सराउंडेड बाय लैंड्स ऑन दी फोर साइड्स. ओके, इट इज़ द वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड ऑन दी फोर साइड्स. ये क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे समझ में आएगा, राइट. अब बेटा हम लोग लेक्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो लेक्स होते हैं वो भी हमारे इंडिया में तो बहुत ही तरह के हैं. ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के लेक्स हैं पर हम लोग उसको इतना ज़्यादा डीपली नहीं समझेंगे. अब आपको ना मतलब टाइप्स ऑफ लेक्स कैसे होते हैं, कौन कौन से लेक्स होते हैं, बेसिकली आपको इतना ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करना है. यहाँ से अगर हम जनरली क्वेश्चंस देखें तो हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले ना वो जनरली आते हैं बेटा लेक्स के लोकेशन पे. ओके, तो उन लोकेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते जाएंगे कि वो उस क्वेश्चन जैसे हमारे पास डेवलप हो रहे हैं तो उस क्वेश्चन डेवलपिंग के बेसिस पे हम लोग उसको टॉपिक को पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली लेक्स की डेफिनेशन आपको आती है, इंडिया में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट या मेजर लेक्स हैं जो हमें याद करने हैं, मतलब एट लाइक नो कॉस्ट सिचुएशन इट इज़ लाइक कि आपको इसको याद करना ही पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू गेट लाइक NTSC में क्वेश्चन यहाँ से बहुत बेसिकली पूछा जाता है. ओके, सो कमिंगली सबसे पहले देखो हमारे पास सांभर लेक है जो इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड सॉल्ट लेक है. ठीक है, अब एक एक चीज़ को समझते जाओगे तो आपको यहाँ से टाइप्स ऑफ लेक भी समझ में आ जाएंगे. इनलैंड सॉल्ट लेक आपको समझ में आता है जो लाइक एक हम लोगों ने पढ़ा था इनलैंड रिवर सिस्टम या इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि लाइक जो बाउंड्रीज के अंदर इंडियन बॉर्डर्स के अंदर जितना भी वाटर था वो इनलैंड नेविगेशन में काम आता था, है ना. तो उसी तरीके से बेटा जो रिवर्स होती है जब रिवर्स मूव कर रही है तो उनकी वजह से जो छोटे छोटे लेक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं. ओके, वो इनलैंड हो जाते हैं. तो सबसे बड़ा सॉल्टी वाटर लेक इंडिया का, सॉरी राजस्थान का जो है वो कौन सा है, वो सांभर लेक है. सॉल्ट वाटर मतलब ये सारी चीज़ें आपको ना पेक्यूलैरिटी जो इनकी वो याद करनी पड़ी. अगर मैं यहाँ पे फ्रेश वाटर लेक बोलूँगी तो वो चेंज हो जाएगा. तो अगर हम लोग सांभर लेक की अगर आप पेक्यूलैरिटी की बात करते हो तो वो लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्टी वाटर लेक है राजस्थान में. ठीक है, तो राजस्थान में बहुत सारे लेक्स हैं, जैसे हम पर्टिकुलर सांभर की बात करूँ तो मैं वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में. सी, अब आपको यहाँ पे स्पेशली ये चीज़ याद करनी है, तुम लोग बोलोगे ना कि मैम कौन सा स्ट्रीट है, मतलब कौन से एक्यूरेट विलेज है, एक्यूरेट सिटी टाउन का नाम बताओ कि ये कौन से हैं. तो ये जो जैसे सांभर हुआ, डिडवाना हुआ, डिगाना हुआ, ये हमारे राजस्थान की सिटीज़ के नाम भी होंगे. बहुत से आप लोग जो वीडियोज़ देख रहे हो उनमें से बहुत से लोग जो होंगे वो इन सिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो वहाँ रह रहे होंगे या उनके कोई रिलेटिव्स होंगे या उन्होंने विजिट किया होगा इन सारे लेक्स वगैरह को. ओके, सो बेसिकली तो अगर आपको इनके एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप पूछोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन तो क्या है, यही पर्टिकुलर टाउन या सिटीज़ में. ओके, बट मैं आपको ओवरऑल इनका एक बार डिस्ट्रिक्ट बता देती हूँ. तो सांभर लेक जो है वो हमारा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, डिडवाना जो है वो हमारा नागौर डिस्ट्रिक्ट में, फिर आ जाता है डेगाना, ये भी नागौर डिस्ट्रिक्ट में. फिर हमारे पास आ जाता है पंचपद्रा, तो ये हमारा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में. फिर कुचामन इज़ अगेन इन नागौर डिस्ट्रिक्ट. फिर आ जाता है अपना लून
करण सर, लून करण सर जो है वो आपका बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में. ओके, सो ये इतना ज़्यादा तुमसे ऐसे डिटेल्स वगैरह में इतना भी ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा, बस आपको इतना सा याद करना है कि राजस्थान के स्टेट्स, राजस्थान जो स्टेट है हमारा, उसमें कौन कौन से लेक्स आ जाते हैं. सांभर, डिडवाना, डेगाना, पंचपद्रा, कुचामन एंड लून करण सर. ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक आ गए. महाराष्ट्र के अंदर एक क्रैटर लेक है जो है लूनार लेक, नाम है लूनार लेक, सिचुएटेड कहाँ है, महाराष्ट्र में. और ये एग्जाम्पल है, हमने हमने पढ़ा था ना सांबर का कि ये इनलैंड सॉल्टी वाटर लेक था. ठीक है, उसी तरीके से क्रैटर लेक जो है वो कौन सा है, एक लूनार है. अब क्रैटर लेक क्या होता है बेटा, ये समझने की जरूरत है आपको. क्रैटर लेक्स जो होते हैं ना वो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं. ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो डिफ्रेंसिएशन समझ में आ रहा है ना. क्रैटर कैसे बनते हैं ये समझ लो आप. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बारिश हुई, ठीक है, बारिश की वजह से इस जगह पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया. ठीक है, तो अक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर से जो फ्रेश वाटर इकट्ठा होता है, जो फ्रेश वाटर लेक्स डेवलप होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैटर लेक. बहुत इजी थी डेफिनेशन समझने के लिए. अ फ्रेश वाटर लेक फॉर्म्ड बाय अक्यूमुलेशन ऑफ रेन एंड ग्राउंड वाटर. ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रैटर लेक. ओके, समझ में आ गया. फिर इसके एग्जाम्पल्स अगर आप बहुत सारे आगे आपको क्या करना है. नेक्स्ट आपके पास है चिल्का लेक. ठीक है, जो सबसे चिल्का लेक जो है वो बेटा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है, बिगेस्ट लेक है. ठीक है, चिल्का लेक जो है वो आपका इंडिया का सबसे बिगेस्ट लेक है. ओके, और ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है. ओके, ये हम लोगों ने याद करो तुम लोगों को, जब मैंने बताया था वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, हम लोग बहुत ड्रेनेज वगैरह भी पढ़ रहे थे महानदी वगैरह का, तो बताया भी था कि भाई महानदियाँ ड्रेन हो रही है, उसके पास में चिल्का लेक है, चिल्का लेक को हम लोग ड्रेनेज आगे लेक्स में पढ़ने वाले हैं. ये चीज़ हमने डिस्कस की थी. नेक्स्ट है हमारे पास कोलारू लेक जो है आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड. फिर पुलिकत लेक है जो चेन्नई में है. पुलिकत लेक की एक पेकुलैरिटी ये है कि मतलब आपको बेटा देखो इसके अंदर मैंने ना आगे ये चीज़ें भी मार्क की हुई है कि ये पर्टिकुलर लेक जो है वो महानदी डेल्टा से बना हुआ है, ये लेक जो है वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा से बना हुआ है. तो MCQ क्वेश्चंस में इसी तरह के क्वेश्चन फ्रेम होंगे कि विच लेक इज सिचुएटेड ऑन दी लेक विच इज द डेल्टिक लेक सिचुएटेड ऑन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. ठीक है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कोलारू लेक हो गया. ओके, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होने वाले हैं. ओके, सो नेक्स्ट में हमने देख रहा था कि भाई देख रहे थे कि पुलिकत लेक जो है वो चेन्नई में है, वो एक शैलो लगून है. लगून जो है वो सॉल्टी वाटर लेक्स होते हैं, उसकी डेफिनेशन मैं आगे समझा दूंगी. पहले पुलिकत को समझो. पुलिकत जो है वो चेन्नई में सिचुएटेड है. अब इसकी पेक्युलैरिटी क्या है, मतलब इसमें आपको ज़्यादा तो कि ये केवल और केवल लगून है, आपको ये बेसिकली याद करने की जरूरत है. लगून के एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछ ली जाए और लगून की डेफिनेशन वन वर्ड में आ जाए, तो वहाँ उसके एग्जाम्पल्स में आप पुलिकत लेक को समझा मतलब एग्जाम्पल में बता सकते हो. ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास लोकतक लेक जो मणिपुर में है. इट इज़ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. ओके, मार्क दैट वर्ड, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. हम पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहे. अगर आप देखोगे इंडिया को, अगर आप कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करोगे, तो इंडिया में आपको लाइक देर इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी गोइंग ऑन. ओके, बहुत सी जगह आपको मिलेगा कि भाई वुलर लेक जो है वो जम्मू कश्मीर का वो सबसे बड़ा है. बहुत सी जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि वेम्बन जो है ये लेक जो है केरला का, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेक है. ओके, सो यू डोंट नीड टू गेट कन्फ्यूज विद दीज थिंग्स. आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, लोकतक जो है वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, मणिपुर में सिचुएटेड है. और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट पेक्युलैरिटी जो है कि इसके ऊपर एक केबुल लैमजाओ नाम का नेशनल पार्क सिचुएटेड है. मतलब एक लेक है, लेक के ऊपर नेशनल पार्क है. तो वाटर के ऊपर कोई भी चीज़ सिचुएटेड है तो वो फ्लोट करती है, राइट. तो यही इस चीज़ की पेक्युलैरिटी है कि भाई ये सबसे बड़ा फ्रेश वाटर तो लेक है ही सही नॉर्थ ईस्ट इंडिया का. उसके अलावा इसके ऊपर हमारे कंट्री का केवल एक अकेला सिंगल फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर सिचुएटेड है. ओके, फिर उसके बाद में हमारे पास आ गया था नेक्स्ट वेम्बन लेक जो है लगून है, वो केरला में है. ठीक है, ये समझ में आ गया. अब लगून लगून हम लोग कब से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, अब ये समझने की कोशिश करते हैं लगून क्या होता है. अ शैलो बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड बाय सी बाय सैंड बार्स. अब इसको बहुत सिंपली समझने की कोशिश करो कि यहाँ देखो लाइक ये बेड है. ओके, यहाँ इस तरफ तो क्या है हमारे पास रेड कलर का कर दिया, तो हम लोग इसको मान सकते हैं सॉइल था अभी तक यहाँ पे. ओके, इसको हम लोग क्या बना देते हैं, सॉइल. हाँ, सॉइल हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ अभी तक सी वेव्स आ रही थी,
समझ में आ गया है यहाँ पे क्लियरली। अब बहुत सी बार बेटा आप लोगों को पता होगा हाई टाइड और लो टाइड आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो अब इसके हम बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत सी बार ऐसा टाइम होता है ना, मतलब लाइक होता है कि जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो सी वाटर होता है वो सरफेस पे की तरफ आ जाता है, ओके। तो जब ये सरफेस पे पानी आ जाएगा और विथ किसी डिवाइडर की वजह से, जो यहाँ पे आके बहुत सी बार होता है कि ये यहाँ सैंड इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो सैंड इकट्ठे होने की वजह से क्या हुआ कि ये वाटर जो पानी यहाँ पहले चला गया था, अब वो सैंड इकट्ठे होने की वजह से वापस नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कुछ पानी है वो अक्यूमुलेट हो गया, एंड दैट अक्यूमुलेटेड वाटर इज नोन एज शैलो लगून। सिंपल सी चीज़ याद कर लो यार, इतना क्यों तुम्हें पजल होना है कि जो एक मतलब सी से सेपरेट होकर के, सी का पानी आपको पता है खारा होता है, ओके। तो सी से सेपरेट होकर के जो लेक बना है वो हमारा क्या हो जाएगा, शैलो लगून, क्लियर है। गौना लेक जो है वो देवप्रयाग में सिचुएटेड है, और फिर वुलार और दाल लेक जो है वो फॉल्टिंग एक्टिविटी से बने हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंटली मतलब मैंने तो ये देखा है जनरली ये क्वेश्चन तो, कि कौन सा लेक जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ या फॉल्टिंग एक्टिविटीज़ की वजह से डेवलप हुआ है, तो वुलर लेक और दाल लेक जो है, ठीक है। ये हमारे मतलब बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ, कहाँ पर सिचुएटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है, ठीक है। और वुलर लेक के बारे में अगर आप पेक्लैरिटी गूगल पे सर्च करके भी देखोगे ना, तो भी आपको ये बोलेगा कि लाइक एशिया में, एशिया का वन ऑफ द मोस्ट, मैं सबसे लार्जेस्ट नहीं बोल रही हूँ, पे अटेंशन, मैं यही बोल रही हूँ कि इट इज़ एशिया का वन ऑफ द मोस्ट, लाइक बोलते हैं ना बिगेस्ट या लार्जेस्ट लेक्स में से आ जाता है वुलर लेक हमारा, ओके। तो बेसिकली ये लेक्स के बारे में अभी तक मतलब कुछ ऐसा लगा नहीं हुआ कि कुछ समझने जैसा है आपको। डेफिनेशन के अंदर क्रैटर या लगून की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फ्रेश वाटर लेक वगैरह कुछ सेपरेटली नहीं पूछे जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे इन सारे लेक्स को आप नाइन लेक्स, आप नाइन से टेन लेक्स के नेम्स थे आपके पास में, उनकी उनकी सारी पेक्युलैरिटीज़ जो आपको बताई गई है वो आपको याद करनी पड़ेगी। अब हम लोग वही चीज़ मैंने आपको अभी तक बताया था ना कि भाई हम लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, है ना। मैंने पहले ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दी थी जब हम लोगों ने लेक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, कि बेटा मेजरली तो हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, हम ड्रेनेज पे अगर फोकस करते हैं, पर हमारा इंडिया जो है, इंडियन रिवर सिस्टम वगैरह जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लेक्स पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्यों भाई, क्या इंपॉर्टेंस है ऐसी लेक्स की, दे आर इंपॉर्टेंट टू मैन, क्यों इंपॉर्टेंट है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। अब आप ये समझने की कोशिश करो कि मैंने आपको बहुत सी ऐसे रिवर्स बताई है जो पेरिनियल होती है, कुछ ऐसे रिवर्स होती है जो नॉन पेरिनियल होती है, जो बहुत ज़्यादा पेरिनियल होती है तो बेटा जब बारिश का वक्त होता है तो उनका फ्लड प्लेन इंक्रीज़ हो जाता है ना। तो वो इंक्रीज फ्लड प्लेन, मतलब जैसे आपको ये इंक्रीज फ्लड प्लेन के बारे में बताया कि मैंने बेसिकली रिवर का पाथ तो ये था, जैसे बारिश का टाइम होता है तो वो अपना फ्लड प्लेन यहाँ तक इंक्रीज़ कर लेती है, ओके। तो अब क्या होता है, ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस वाटर होता है ना, बहुत सी बार रिवर क्या करती है, इसमें इस लेक को शेयर कर लेती है, अपना पानी जो है वो कहाँ सिचुएट कर देती है, कहाँ डिपॉजिट कर देती है, लेक में। और बहुत सी बार ऐसी होता है कि बेटा जब जो हम लोगों ने जैसे पेरिनियल रिवर्स की बात की थी या पेनिनसुलर रिवर्स की बात करी थी, जो काफ़ी छोटी छोटी रिवर्स थी, राइट। तो उन छोटी रिवर्स के अंदर बहुत सी बार ऐसा होता था कि पानी की कमी हो जाती थी, तो फिर उसके अंदर क्या ना, मतलब बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी रिवर्स में ऐसा होता है कि उनमें फिर लेक वाटर को डाइवर्ट किया जाता है उनकी तरफ, ओके, ताकि हम लोग लाइक जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ना रिवर बॉडी पे, वो उस पर कंटिन्यू की जा सके। जी, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, इसको नेक्स्ट पॉइंट से भी समझ सकते हो आप, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल दे प्रिवेंट फ्लडिंग, और ड्यूरिंग ड्राई सीजन दे हेल्प इन मेंटेनिंग एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। समझ में आ गया, जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बारिश होती है जब फ्लड प्लेन्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो पानी को कहाँ सिचुएशन शिफ्ट कर दिया जाता है, लेक्स के अंदर। और जब लेक्स मतलब ड्राई सीजन आ जाता है, जब रिवर सूखने वाली होती है, तो भी उसको पानी कहाँ से मिल जाता है, लेक्स से, ओके। सो लेक्स आर ऑल्सो, बेटा एक आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ड्राई सीजन में अगर रिवर सूख रही तो लेक भी तो सूख सकता है ना, तो लेक पानी फिर भी कैसे सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जो रिवर है वो फ्लो करती हुई आ रही है, और जो लेक होता है वो एक पर्टिकुलर जगह पर रुका हुआ है ना, वो लेक फ्लो नहीं करेंगे, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो जब रिवर फ्लो हो रही है तो उसका मूवमेंट, मतलब जैसे मानो कि यहाँ पे तो पानी बचा हुआ है, यहाँ इस सरफेस में, ये मतलब यहाँ तक तो रिवर में फिर भी वाटर है, यहाँ जब रिवर है तो वो पूरी सूख चुकी है, तो अब यहाँ पे आपको जो अदर एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी कुछ करनी है ना, फिर वहाँ से फिर इस लेक का पानी वहाँ पे सप्लाई करवाया जाएगा, ठीक है। जो रिवर है वो कंटिन्यूसली मूव करती जाती है ना, इसीलिए वो सूख जाती है, मतलब मेहनत करते हो तो आपको ज़्यादा प्यास लगती है, तो इसका यहाँ पे रिवर का ज़्यादा मूवमेंट है, वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में मूव होती हुई आ रही है। बहुत इजी, बहुत बेसिक है, इसको ज़्यादा इतना पजल होकर के समझ मतलब मत लो। लेक्स आर ऑल्सो यूज फॉर डेवलपिंग हाइड्रल पावर, जैसे हम लोगों ने देखा है ना कि थर्मल पावर्स वगैरह जो हाइड्रल पावर्स होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट होती है, वो रिवर्स और सीज पे की जाती है, वो बहुत सी बार जो होता है वो इंग्लैंड
ड्रेनेज के अंदर हम लोग लेक्स के ऊपर भी डेवलप कर लेते हैं. लेक्स आर वैल्यूएबल सोर्स ऑफ वाटर बेसिकली, है ना. दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग एरियाज. आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि भाई पानी के आसपास के जो एरिया होते हैं वो थोड़े से चिल्ड होते हैं, थोड़े से कूलर होते हैं, है ना. तो लेक्स भी जो होते हैं वो आसपास का जो क्लाइमेटिक है उसको कंट्रोल करने में, मॉडरेट करने में हेल्प करती है. एक्वाटिक इको सिस्टम को मेंटेन करती है. ऑफकोर्स एक जगह अगर आपने देखा होगा कि जो ये लेक्स हैं, हमारे अब देखो एक नॉर्मल से अभी हम लोगों ने एक लेक के बारे में पढ़ा था, उस लेक के ऊपर फ्लोटिंग क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेशनल पार्क उसके ऊपर सिचुएट है. तो ये सारी चीज़ें क्या अट्रैक्ट करती है, ये टूरिज्म अट्रैक्ट करती है, राइट. दे प्रोवाइड रिक्रिएशन थ्रू बोटिंग एंड स्विमिंग. रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, ओके. सो ये सारी चीज़ें, बोटिंग, स्विमिंग वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें हुई हमें कौन प्रोवाइड करवा रहा है, लेक्स प्रोवाइड करवा रही है, ओके. तो बेसिकली इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हो, ये आप खुद अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. ऐसा नहीं कि भाई मैंने बता दिया और इसी को कर, मतलब बाय हार्ट ही करना है. सो रिवर्स, अब हम लोगों ने लेक्स के बारे में भी पढ़ लिया, हम रोल ऑफ रिवर्स भी पढ़ लेते हैं. भाई अगर हमसे पूछ लिया जाए रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो रिवर्स की सबसे पहले इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे तो बेटा जो हिमालयन रिवर्स है जो अपने साथ आती है वो बहुत सारा सिल्ट लेकर के आती है. तो जो हमारा अपना अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर के आ रही है, सॉइल लेकर के आ रही है, तो वो उसे डिपॉजिट कर रही है एक जगह पे, उससे हमारी एग्रीकल्चर लैंड्स बढ़ रही है, हमारा पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स इसकी वजह से बन रहा है, ओके. अब वो पानी होगा तो वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी बोल सकते हैं, हम लोग फॉरेस्ट हुए, वाइल्ड लाइफ हुई, इनकी लाइफ को भी, एक्वाटिक लाइफ जो है हमारी उसको भी पेनिट्रेट करेगी वो, राइट. द बैंक्स ऑफ रिवर्स जो है वो क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन हुए हैं. बेसिकली अगर आप क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन जो आप पढ़ने वाले हो आगे, इससे आपको क्या समझ में आएगा कि कहीं पर भी कोई भी डेवलपमेंट होता है, अगर आप देखोगे पुराने टाइम से देखोगे जो लोग जो हैं उन्होंने क्या सोचा, मतलब कहाँ पे खुद को सबसे पहले सेटअप किया था. मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में क्या था, बेसिक ऑक्यूपेशन क्या था लोगों का, फार्मिंग. और फार्मिंग जो थी, एग्रीकल्चर जो था, वो किस पे डिपेंडेंट था, वाटर पे, ठीक है. तो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होने की जगह लोगों ने क्या किया, रिवर बैंक पे खुद को सिचुएट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा NTSC का, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेसन ही है हमारा NTSC का. सो रिवर्स हैव प्रोवाइडेड कल्चरल एंड इकोनॉमिकल प्रोग्रेस सिंस एंशिएंट टाइम. रिवर्स प्रोवाइड इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से, मतलब लाइक इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह के लिए भी हमें पानी वानी चाहिए, आपको आप अच्छे से इसको अपने ओन लैंग्वेज के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हो. रिवर पॉल्यूशन के बारे में भी आपको अच्छी बात अच्छे से पता है बेटा, पॉल्यूशन क्या होता है. सी पॉल्यूशन की अगर सिंपल डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हो, लाइक एडिशन या मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स इनटू द वाटर बॉडीज और इनटू द रिवर बॉडीज, तो इसका मतलब होता है रिवर पॉल्यूशन. हमें पता है कि भाई हम बहुत सारे कामों के लिए यूज़ ले रहे हैं, डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, बहुत सारे कामों के लिए हम रिवर वाटर को यूज़ कर रहे हैं. तो फिर इन सब चीज़ों से जो वेस्ट आ रहा है वो भी कहाँ डंप किया जाता है, इनटू द रिवर बॉडीज, ओके. तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया, ठीक है. तो इस नेशनल NRCP के अंदर सबसे पहला, सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन यहाँ पे लिया गया है, वो है गैप, ओके. गैप फेज वन और गैप फेज टू आप पढ़ने वाले हो. तो बेसिकली बेटा अगर मैं गैप की बात करूँ तो गैप में क्या है, हम लोग स्पेशली गंगा रिवर के ऊपर यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं. गंगा बहुत ज़्यादा पल्यूटेड हो गई है. सी अगर आप गंगा की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो आपको पता है कि गंगा जो है वो हमारी लाइक कंट्री की होली रिवर भी है, उसे कंट्री की लाइफलाइन भी बोला जाता है. अगर आप इसके बारे में और भी इसकी चीज़ें समझने की कोशिश करोगे तो गंगा के साथ एक बेसिकली चीज़ है बेटा कि उससे हमारा इकोनॉमिकली, उससे हमारा कल्चरली, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. इकोनॉमिकली आपको पता है ना भाई, अब वर्ल्ड रिवर है तो रिवर के उसका पानी किसके लिए, डोमेस्टिक, म्युनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर सब में यूज़ आ रहा है. और अगर आप देखोगे कल्चरली तो जो इसको हमारी लाइक बोलते ना होली, हमारे कल्चर से इसको रिलेट किया हुआ जाता है कि भाई गंगा से, गंगा में हम जाते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं. तो बेसिकली आपको भी पता है कि भाई लोग अपने सारे पाप जो है वो गंगा में जब वॉश आउट करने जा रहे हैं, जब वो गंगा में जा कर के डुबकी लगा के आते हैं तो वो अपने सारे पाप वहीं छोड़ के आ जाते हैं. तो उस पाप की वजह से जो हमारी रिवर है वो क्या होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है, राइट. तो उसी पॉल्यूशन को रोकने के लिए या उसके इफेक्ट्स को थोड़ा बहुत कम करने के लिए तो गैप वन स्टार्ट किया गया था 1985 के अंदर, ठीक है. बट इट वॉज नॉट अ मैसिव सक्सेस, मतलब इससे ज़्यादा इतनी ज़्यादा सक्सेस इससे नहीं मिल पाई, इसीलिए इसको क्लोज कर दिया गया 31 मार्च 2000 के अंदर, ओके. फिर उसके बाद में वापस से जो अथॉरिटीज़ थे NRCP की, ठीक है, नेशनल रिवर्स कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ ने वापस से इस प्रोग्रेस, मतलब इसके बारे में डिटेल स्टडी करी, इसमें क्या क्या कमी रह गई थी, उन्होंने क्या क्या, मतलब लाइक बोलते ना कि उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव्स अपने दिमाग में ड्रॉप किए थे पर वो एक्चुअली नहीं परफॉर्म करवाए थे, तो वो सारे ड्रॉबैक्स को उन्होंने डिस्कस किया. फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत अच्छे डेवलप मैनर में उस
पुराने एक्शन प्लान की कमियों को रिकवर करते हुए उन्होंने फेज टू स्टार्ट किया था. ओके, गंगा एक्शन प्लान फेज टू जो अब मतलब कितने 152 टाउन्स एंड 16 स्टेट्स के अंदर लगभग आता है, कवर करता है. ओके, इस स्कीम के थ्रू. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे या डिड यू नो जो थे तुम आपके चैप्टर्स में, वो भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं. सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन जो है, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, वो नाइल रिवर का है. ठीक है, और बेटा देर इज़ अ डिफरेंस इन लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट. ओके, तो लार्जेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो नाइल होती है, और लॉन्गेस्ट की जब आप बात करोगे तो अमेजोन बेसन भी आ जाएगा. ओके, अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया कैन यूज ओनली अप टू 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय इंडस रिवर सिस्टम. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि जो हम लोग जो है इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू जो तिब्बत से जो हमारे रिवर ओरिजिन हो रही है इंडिया में, ठीक है, वो इंडस आ रही है. ठीक है, अब इंडस का जो है हम केवल 20% यूज़ करते हैं, क्योंकि बाकी जो रेस्ट ऑफ द रिवर है वो कहाँ ड्रेन कर जाती है, पाकिस्तान में, है ना. सुंदरबन डेल्टा जो है उसे नाम कहाँ से मिला है, सुंदरी ट्री से नाम मिला है उसका. ठीक है, इट इज़ दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा एंड इट इज़ दी होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स. ये भी मैं उसी टाइम पे आपको बता चुकी थी. ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द जैंगपो इन तिब्बती साइलेंट होता है ना, तो जैंगपो इसको तिब्बत में बोला जाता है और जमुना में जाते इसका नाम चेंज हो जाता है और वो नाम हो जाता है बांग्लादेश में आके उसका नाम चेंज होता है इनटू जमुना. तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. कावेरी जो है वो सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है, उसका नाम है सेवा समुद्रम. ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करने में काम आता है. चलो नेक्स्ट देख लो आप. 71% ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. ये तो हम बहुत पहले समझ चुके थे कि भाई मतलब अगर हम बात करते हैं कंपेयर करते हैं तो 2/3 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, पर इसमें से भी हम केवल मतलब 3% जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है. और उसमें भी आपको ये देखना है कि अगर आप उसमें नोटिस करोगे कि इस 3% का भी जो 1/3 पार्ट है, मतलब वो ही हम यूज़ कर पाते हैं, 2/3 पार्ट जो है वो आइस शीट्स के अंदर ट्रैप्ड है, वो भी हमारे पास यूज़ मतलब उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते. तो आपको पता चला है कि फ्रेश वाटर कितना कम है, फ्रेश वाटर में कम भी है, और वो जो अवेलेबल है उसको भी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, यूजेबल फॉर्म में नहीं है. सो बेसिकली दिस इज़ व्हाई वी नीड टू कंजर्व वाटर. तो हमें इसीलिए ड्रेनेज जो हमारे रिवर्स हुई, लेक्स हुई, उनकी इंपॉर्टेंस हमें समझनी पड़ेगी और वो क्यों हमारे लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें क्यों प्रिजर्व करके रखना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. सी, लेक्स ऑफ लार्जेस्ट एक्सटेंस आर कॉल्ड सीज. ओके, जो बहुत बड़े बड़े लेक्स होते हैं उन्हें सी भी बोला गया, मतलब एक्चुअली तो वो सी नहीं है, बस उन्हें सी उनका नाम दे दिया गया, जैसे डेड सी, एरियल सी, कैस्पियन सी. ओके, इस तरह से नाम बोला गया उनका. सो स्टिल आई थिंक सो द लेसन इज कम्प्लीट फ्रॉम माई साइड. इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट्स यू कैन राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू.